इस वक्त मैं यूनाइटेड स्टेट्स के पोनियक मिशिगन में एक खूबसूरत पार्क का विज़िट करने के बाद वापस अपनी गाड़ी में जा रहा हूँ डायना के साथ। वो एजुकेशन की रिपोर्टर है और बहुत ही अच्छी खातून है। तो मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के लोग बड़े खुशकिस्मत लोग हैं, इनकी किस्मत अच्छी है, इनको अच्छे सियासतदान और एक अच्छा मुल्क मिला है। इन लोगों को अपनी इस स्टेट की, अपनी हुकूमत की बहुत ज़्यादा कदर है। ये लोग कानून के ज़्यादा पाबंद हैं, हम लोगों से कहीं बढ़कर ये लोग अच्छे हैं। तो मैं अपने इस एक महीने के इस विज़िट के दौरान मैंने ये फील किया कि इन लोगों ने इस मुल्क को बड़ी मेहनत के बाद इस मुकाम तक पहुंचाए हैं। और अगर आज अमेरिका दुनिया का दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है तो इसके पीछे इन लोगों की एक बहुत बड़ी मेहनत और काविश शामिल है। तो मुझे यकीन है कि जब इंसान अपनी किस्मत और तकदीर को बदलना चाहे तो मेहनत के ज़रिए से उस चीज़ को बदल सकता है। और जहाँ इंसान अपनी मेहनत को एक राइट डायरेक्शन दे दे तो फिर वहाँ लक बदलने में, किस्मत बदलने में, तकदीर बदलने में, मुल्कों को अच्छा करने में इतना ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन इंसान को अपने मेहनत की डायरेक्शन को चेंज करने में शायद वक्त लग सकता है। तो अगर आज भी हम पाकिस्तानी ये सोचें कि वो क्या चीज़ है जो इन लोगों को इस मुकाम तक ले आई और वो क्या चीज़ है जो हम में नहीं है, इसकी वजह से हम दुनिया में धक्के खा रहे हैं, हमारे मुल्क में बिजली नहीं है, गैस नहीं है, रोशनी का मसला है, दूसरी तीसरी चीज़ें जो हमें दस्तियाब नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर एक सही लीडरशिप मिले और आवाम भी एक सही डायरेक्शन पे अपनी सोच को आज ही एक ऐसी सांचे में या ढांचे में डाल दें तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि रब करीम हम सबको अमेरिकन बनने की नहीं बल्कि इनकी तरह सोचने की तौफीक दे और अपनी सोच को एक राइट डायरेक्शन में देकर हम अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकें।